lang khai hu ye se dikhi so good evening and welcome back to my another vlog, welcome to my channel, welcome to Teri Natun Khan YT vlog। तो अभी हो चुका है शाम के 5:30 और अभी मैं जाऊंगी थोड़ा मार्केट की। और एक्चुअली मुझे बेटा का चूल कटवाना है और हमारा यहाँ क्या नियम है पता नहीं कि आज या फिर संडे में ही बंद होता है सारा दुकान, तो आज शनिवार है तो आज कटवाना ही पड़ेगा क्योंकि स्कूल से उसको इन्फॉर्मेशन आया कि चूल कटवाओ, तो मंडे तक तो थोड़ा नीट एंड क्लीन होके जाना पड़ेगा। तो चलिए दुकान में मिलते हैं। कौन सा पसंद है? पसंद 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 मन सुंदर thousand years later आज बनाऊंगी ये चाउमीन बहुत दिन के बाद। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये कढ़ाई में पानी उबाल रखी है और उसमें थोड़ा टर्मरिक, और यहाँ चाउमीन बनाने जा रही हूँ। और इधर चाउमीन मैंने डाल दिया और ये पूरा अच्छी तरह से उबलने के लिए रख दिया है मैंने। ये थोड़ा होममेड वाला स्टिक देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए, और इसको अच्छा से उबाल रही हूँ। और इधर यहाँ अच्छा से उबल के हो गया है, ये स्टिक से मैं हिला रही हूँ उसको, ये देख सकते हैं आप लोग बहुत अच्छा से। और इसको मैंने हाथ से भी देखा तो अच्छा से पक चुका है, तो इसको मैंने ऑफ कर दिया गैस। बनाऊंगी मैं एक चाउमीन, इधर मैं बना रही थी कि आज मैं चाउमीन बनाऊंगी, आज संडे है कर ली हूँ तो प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। इंग्रेडिएंट्स ये है मेरे ऑनियंस, मैंने स्लाइस में काट के रखे हैं, तो एक चाउमीन बनाने जा रही हूँ। इसीलिए ये पैन में ऑयल, और यहाँ पे ऑयल में पहले मैं अंडा फ्राई करूँगी। ये है अंडे, अंडे पहले फ्राई कर लिया मैंने, इसको फ्राई करके इसके बाद ही मैं चाउमीन के साथ बाद में डालूंगी, तो यही बन जाएगा मेरा एक चाउमीन। तो यहाँ मैंने बना रही हूँ मैं, यहाँ पे एक को अच्छी तरह से फ्राई कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ये मुझे डब करना पड़ा, वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि गाना बहुत ज़ोर से लाउड से बज रहा था, सिस्टर पर बजा रही थी तो मुझे बोलने का मन नहीं था, तो इसीलिए मैंने जस्ट वीडियो को रिकॉर्ड किया और सोचा कि बाद में वॉइस ओवर कर दूंगी, तो इसीलिए उसके उसको मैंने बोला नहीं, जस्ट मैंने वीडियो को बनाते गई और रिकॉर्ड करती गई। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा अंडा हो गया है रेडी, अभी इसको फिर से अभी चाउमीन फ्राई करना है। ये प्याज मेरा कट के रेडी, यहाँ पे ऑयल डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैंने प्याज को डाल दिया पहले और इसको स्टिर फ्राई करूँगी। इसके बाद इसको मैं अच्छा से स्टिर फ्राई कर रही हूँ, देखिए अच्छा से इसको फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं जला देना है, बस थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन कलर होना चाहिए। इसके बाद इसमें अभी ऐड करूँगी मैं इसमें बॉईल किया हुआ चाउमीन, ये देखिए बॉईल किया हुआ चाउमीन मैंने डाल दिया। तो यहाँ मैंने डाल दिया ये बॉईल किया हुआ, ये एक कढ़ाई बन गया इतना ज़्यादा। अब इसमें ऐड करूँगी मैं नमक अपना स्वाद के अनुसार, और यहाँ पे आपको ये अजीनोमोटो भी डाल सकते हैं बट हम मैंने नहीं डाला। और ये है चिली पाउडर और सोया सॉस, तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया, और ये सोया सॉस मैं डाल रही हूँ। ये भी कलर के अनुसार, कोई ज़्यादा डार्क खाता है कोई लाइट खाता है, तो ये देखिए बन गया। ये होममेड डंडा इन लॉस के घर से हस्बैंड बना के लाए।
सो फ्रेंड्स, इसमें मैंने बेजिल डाल दिया, थोड़ा बेजिल के साथ खाऊंगी। चीज़ ढूंढना था, चीज़ नहीं मिला, चीज़ के साथ डालूंगी सोचा था मैंने। चीज़ चाउमीन कुछ अलग मॉडिफाई करके बनाऊंगी सोची थी, हुआ नहीं। ट्राई करने में क्या है ना, मैंने ये बेजिल इसलिए आगे डाल दिया क्योंकि थोड़ा सा नरम होने दें, बच्चा लोग उसका टेस्ट पसंद नहीं करेगा, मतलब स्किप करेगा, बोलो निकाल देगा थाली से अपना प्लेट से, लेकिन खाएगा नहीं। मुझे तो पसंद लगता है। ये देखो बेटा को भूख लगी है। हाँ भूख कटे लगी से भूख, कल इसका हेयर कट करवाया, देखिए कि मुख बना थके। पसीना हो गया, पसीना हो गई। हम मैं अपना लुक्स भी दिखाऊंगी। और यहाँ मैं डालूंगी एक अंडा करी, एक भुजिया। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जैसे वो बनाता है चाउमीन, ये ना रोटी स्टिक होते है, इससे घुमा घुमा के ऐसे ऐसे पलटाता है। मम्मी बनाता है, कैसा बनाता है मम्मी बोल दो तो। पूरा अच्छा, मम्मी पहले में रेस्टोरेंट में काम करता था। किसका रेस्टोरेंट था? हम लोग का ना, हम लोग का घर का रेस्टोरेंट एक था, तो दायुन ने, उसका नाम क्या था? S2 था, S2 रेस्टोरेंट, मतलब एक्चुअली हम लोग का था, मीन्स मेरा हस्बैंड का भैया का वाइफ का भाभी का, मीन्स दीदी का, तो उसका था। तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत सीखा, तो इसलिए थोड़ा जानती हूँ ये सब बनाने के लिए, फास्ट फूड स्नैक्स और चना चाट बहुत कुछ मैं सीखी हूँ। तो अभी मुझे समय नहीं मिलता, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा बहुत घर के लिए बना देती हूँ। सो नाउ इट्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, और इसे मिक्स हो गया अंडा वंडा, अभी निकाल के खाना पड़ेगा सब लोग। पसीना से तर बतर हो गई हूँ पूरा, देखिए ना मॉर्निंग से धूप होता है गाइस, आप लोग का वहाँ पे कैसा है वेदर पता नहीं। हम लोग का यहाँ पे मॉर्निंग होते ही मतलब पूरा धूप 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 हो रही है बेटा, पूरा धूप हो जाता है, इतना गर्म होते ना, घूमने के लिए मतलब उपाय नहीं है। ऊपर से ब्लैक डायमंड का वजह से पूरा जंगल खत्म हो चुका है, इसीलिए और भी ज़्यादा धूप होता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी मैं इसको स्टॉप ऑफ करती हूँ। पेट, ये हो गया फाइनल लुक इसका, देखिए अभी खाना पड़ेगा। और ये देखिए, ये देखिए मेरा कपड़ा खा काट रहा है ये। आया ओए स्नोबेल, मार खबी स्नोबेल। मैं निकालूंगी अभी हम लोग का डिश, भी हो गया और बहुत सारा काम मैंने कर लिया, और वीडियो में अभी शूट कर रही हूँ तो बहुत थक गई थी मैं। बाकी ब्लॉग बनाने के लिए टाइम नहीं मिला मुझे, खाया और फटाफट दूसरा काम में जुट गई। मैं दिखा रही हूँ क्या क्या काम, एक मैं धुलाया फिर इधर, और आधा कपड़ा मॉर्निंग को धुलाया था वो तो भी गया, उसको तो लेके भी अंदर चला गया मैं। और ये सब कपड़े मैं ब्लॉग यही एंड करती हूँ, और होप करती हूँ कि आप लोगों को ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आजकल मुझे ब्लॉग बनाने का समय बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, और साथ ही कंटेंट भी नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है कि मैं निकल के थोड़ा ब्लॉग बनाऊँ, ऐसा मतलब सिचुएशन है ही नहीं, इतना धूप में तो कैसे सकूँगी, खुद ही रहने का मतलब ठिकाना नहीं हो रहा, जैसा हो रहा इतना ही गर्म। तो इसलिए मैं ब्लॉग भी बहुत रेयर बना रही हूँ, पहले से जो जो वीडियो है वही मैं अपलोड कर रही हूँ, कुछ एक दो, ज़्यादा नहीं। और जो प्रोग्राम का टीचर्स डे का कुछ वीडियो था वो अपलोड करने से भी कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए इसको डिलीट कर देती हूँ। तो शॉर्ट्स डाल रही हूँ ज़्यादातर, अभी वीडियो अपलोड करने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। और साथ ही स्कूल में हाफ ईयरली का एग्ज़ाम भी आ रहा है, जिससे कि और समय मुझे नहीं मिल रहा है। तो बस इसे यही तक ही आशा करती हूँ कि नवंबर और दिसंबर में अच्छा वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो अच्छा भी लगेगा वीडियो बना के। तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट ब्लॉग।